हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल भी। तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक अलग डाटा आप कैसे सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पर एक डाटा दिया हुआ है, बट एक अलग से छोटा डाटा दिया हुआ है जिसमें सिर्फ ग्रीडी वाले पर्सन जो ग्रीडी से बिलोंग करते हैं उसी का डाटा सिर्फ सेपरेट किया हुआ है। तो इतना बड़ा डाटा, आपके पास बहुत सारा डाटा रहेगा, हज़ारों 2000 3000 डाटा रहेगा, तो उसमें से आप कैसे एक जगह से बिलोंग करने वाले या फिर ग्रेड ए ग्रेड बी से बिलोंग करने वाले कैसे आप सेपरेट कर सकते हैं, उसका अलग डाटा कैसे बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ यहाँ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो यहाँ पर हम इसको भी डिलीट कर देते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर डाटा में आ जाना और यहाँ पर एक बार क्लिक करना है। एडवांस ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो एडवांस ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। अदरवाइज़ आप यहाँ से भी फ़िल्टर लगा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर फ़िल्टर लगा लिए तो आपको किसी एक पर्सन का, जैसे डी डी नाम के कितने भी एड्रेस है वो शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ऑल सेलेक्ट है तो ऑल सेलेक्ट को हटा देते हैं और दुमका कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर डी वाले पर्सन ही दिख रहे हैं, लेकिन पहले वाला जो डाटा था वो हाइड हो गया। तो हमको वो भी देखना है, प्लस में ये भी देखना है जितने भी एक पार्टिकुलर जगह से बिलोंग कर रहा है। तो इसको भी हम क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पर गाइज आपको सीधा आपको इसको कॉपी करना है, जैसे जिसको भी कॉपी करना है यहाँ पर कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और जिसका भी आपको डाटा चाहिए, जैसे हमको चाहिए ग्रेडी का, तो ग्रेडी आपको कॉपी करना और यहाँ पर पेस्ट कर देना अलग जगह पेस्ट कर देंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको डाटा में कहीं भी क्लिक करना है और यहाँ पर एडवांस वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। एडवांस ऑप्शन का क्या यूजेस है वही बताने वाले। तो यहाँ पर क्लिक करना है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक डाटा सेलेक्ट कर लेगा और यहाँ पर कॉपी ये सेकेंड वाले ऑप्शन को च्वाइस कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे पहले से फिल किया हुआ क्योंकि हम पहले कर चुके थे, इसलिए इसको क्लियर कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पर ये यहाँ पर सेलेक्ट हो गया। इसके बाद क्रिटेरिया रेंज, मतलब किसका आप पार्टिकुलर पर्सन का पार्टिकुलर जगह का आप ढूंढना चाहते हैं, तो यहाँ पर इसको हम सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद सेलेक्ट करने के बाद कॉपी टू, यहाँ पर आप कहीं भी एक दूसरी जगह में क्लिक करेंगे तो उसका डाटा वहाँ पर शो हो जाएगा और यहाँ पर आपको ओके कर देना है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये पहले वाला भी डाटा है और यहाँ से जितने भी ग्रेडी वाले पर्सन थे अलग पार्टिकुलर जगह से वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो जैसे हम एक जगह का और कर लेते हैं, यहाँ पर हम दुमका लिख देते हैं। दुमका वाले पर्सन भी यहाँ पर हैं, दुमका वाले जो भी बिलोंग करते होंगे वो अलग डाटा बन जाएगा। तो सिंपली एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे आपको सिंपली डाटा में कहीं भी क्लिक करना है, उसके बाद एडवांस ऑप्शन में क्लिक करना, ये ऑटोमेटिक डाटा सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद यहाँ पर हम क्लियर कर देते हैं। क्रिटेरिया रेंज में आपको जिसका भी पार्टिकुलर एड्रेस का डाटा चाहिए आप वहाँ से क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप सेकंड वाले ऑप्शन में आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर कॉपी टू अनदर एरिया, मतलब कहीं भी आप कहाँ कॉपी करना चाहते हैं वहाँ आप क्लिक करेंगे एक बार, उसके बाद ओके में क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जितने भी दुमका के थे वो सारे डाटा यहाँ पर दिख रहा है और प्लस में जो पहले का डाटा था वो भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप एक अलग डाटा तैयार कर सकते हैं।